हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सही तक जोशी व्लॉग में। सो दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। 10 बज गए हैं अभी एंड मैं अभी जा रही थी जरा ये एक जो लाए थे ना इसको फिटिंग करवाने जाना है, तो यहीं पे रहते हैं टेलर में, तो वहाँ जाती हूँ। वहाँ संडे है वैसे भी, घर पर ही हैं वो, तो इसलिए जाती हूँ वहाँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, मैं वो देने आई थी ना अभी कपड़े देने आई थी, तो कपड़े तो मैंने दे दिए। पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है, यहाँ पे रोज़ शनिवार को दिया जलता है। ये देखो पीपल का वृक्ष है ना, यहाँ पर रोज़ दिया जलाते हैं। तो ये है वो पेड़, पीपल का वृक्ष है, और जहाँ पर रोज़ शनिवार को सब दिया जलाने आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा टहलने आ गए दूर तक, और समय तो मौका मिलता नहीं है, है ना। तो अभी कपड़े देने के बहाने ही घूमने आ गए हैं हम। क्या है सब वहाँ से देख रहे हैं तुम? कह रहे सब देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर। ये देखो यहाँ पे चरी हो रखी है गायों के लिए, कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, सामने बैठे हैं सब। ये प्यार से बैठी है। कल रात को सो गई थी ना मैं, तो मेरे सर में और यहाँ पे चढ़ चढ़ के नाखून भी चुबा रही थी और खेल भी रही थी रात को। अब फ्रेंड बन चुके। वहाँ देखो बेबी, सबको दिखा दो अपनी शक्ल एक बार। हाय हाय, कैसे हो आप सब? मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सरिता जोशी ब्लॉग को। ठीक है, हाथ हटाई में रही हाथ अपने। चल आपके दिन में अभी खाना बनना स्टार्ट हो गया, तो आज छोले बन रहे हैं चावल के साथ, व्हाइट वाले होते हैं ना काबुली चने, वही वाले छोले बन रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बना रहे हैं, इनको अच्छा लगता है ये वाले छोले बन रहे हैं। ये वाले मसाला एकदम भून चुका है और बहुत खुशबू भी आने लगी इसमें, लहसुन की आँच बढ़िया वाली एकदम। ये देखो मेरे पति देव की आज आँखों पे रिलैक्सिंग हो रही है। देखो खीरा काट के रखा मैंने आँखों पे जबरदस्ती। कैसा फील हो रहा है? अरे तुम हटो यार इधर से। ट्राई करके रखा, पहले खुद मैंने ट्राई किया, उसके बाद आपको दिया है वो। अपनी आँखों में लगाओ। मैंने लगा लिया अपनी आँखों में। आँखों में ज्यादा वो दिक्कत है, लगा दूंगी अपनी आँखों में। क्या है दोस्तों, ये ना फोन देखते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनसे बोला ऐसे रखो, लेकिन ये रखना नहीं चाह रहे हैं। मैं क्या करूँ, नहीं रख रहे तो अरे मेरे को नहीं चाहिए यार, मैंने कभी रखे ही नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं लग रहा। शुरुआत पहले से होती है, मैं कंफर्टेबल नहीं लग रहा। कंफर्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों मैं अभी केला खा रही थी ना, तो क्या हुआ कि इसमें कीड़ा दिखा मुझे। तो जो लोग कहते ना कि केले कभी सड़ते नहीं है या उनमें कीड़े नहीं पड़ते करके, तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ प्रमाण। ये देखो दिख रहा है, ये साक्षात कीड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, मुझे तो साफ दिख रहा है एकदम। अच्छा हुआ मैंने देख लिया यहाँ पे खड़ा हुआ है करके, तो पहले मेरी आदत है कि मैं देख लेती हूँ, ऐसे नहीं खाती। ये तो लोग कहते हैं कि कीड़ा सड़ता नहीं है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो ये सब मिथ्या है दोस्तों, ये सब झूठ है। कभी भी हो कोई भी फल सड़ा हुआ है उसको पहले चेक कर देना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। ठीक है बाय, बिल्कुल। तो दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं और मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे गोद में बैठी है एक बिल्ली, मतलब वो बिल्ली में दिखा रही हूँ जो आपको अभी थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होने लग गई है। धीरे धीरे इसको आदत पड़ने लग गई कि अब मैं इस घर में हूँ तो अभी शांति से बैठी है मेरी गोद में। आज सुबह से मतलब आते रह रही है, जैसे मैं ऐसे पाँव फैला के बैठी हूँ आगे को ऐसे करके, तो मैं मेरी गोद में आके बैठ गई है। देखा सोइए, अभी सोइए, अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूंगी ना तो ये उड़ जाएगी, लेकिन अब थोड़ा डर कम हो गया इसका, ये अच्छी बात है। थोड़ा कम से कम गोद में बैठ तो रही है, वरना म्याऊं 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 कर रही है बिल्कुल। उसको पता नहीं क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है पता नहीं क्या, ऐसे साथ में बैठ के इसको तब अच्छा लग रहा है। सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है मिलती हूँ। हेलो हनी बनी, feeling something, hello honey bunny toko hello honey bunny, feeling something, hello honey bunny। feeling something, hello honey bunny, toko। वहां देखो बैठ गई है यहाँ पे दोस्तों, अभी मेरे साथ एक कॉमेडी हो गई दोस्तों मैंने सोचा ना मैं छोटी बिल्ली को
मैं छोटी बिल्ली को छत में लेके आई और मैंने सोचा कि मैं इसको छत में छोड़ दूंगी तो इसका थोड़ा डर दूर होगा, बाहर देखेगी। तो मैंने कुंडा लगा दिया बाहर से इस वाले दरवाजे पे, मैंने कहा घूम घूम घूम, मुझे लगा आप तो कहीं जा नहीं पाएगी, है ना। तो इसके नीचे से ना ये छेद थे छोटे छोटे, वो इसके अंदर से निकल के अंदर को आ गई और वहाँ फंस गई वो बेचारी। मैंने सोचा वहाँ घूमेगी मतलब वहाँ निकल के चलेगी, अब कैसे लेके आ जा लेके आती दोस्तों दिखाती। मैं तब से छत में आई हूँ एंड अंधेरा जैसा भी होने लग गया, आप लोग देख ही रहे हो जैसे कि मेरे पीछे अंधेरा अंधेरा होने लग गया ऊपर आसमान, आप ऊपर देख सकते हो कि अंधेरा अंधेरा होने लग गया है। एंड तो मैंने आज छत झाड़ दी पूरी, जो दिन पटाखे वटाखे हो रहे थे ना बहुत गंदगी हो रही थी, उसके बाद गेहूँ साफ किए, वो कचरा सब साफ कर दिया है एंड अब जाते हैं नीचे को। मैंने ना ये आज पटाखे का ये डब्बा था ना उसमें एक वो लगा दिया फूल, पटाखे का डब्बा था ना इसमें मैंने वो लगा दिया मनी प्लांट का एक पौधा, ये होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट मैंने लगा दिया क्योंकि खाली भी पड़ा था वैसे भी, देखते हैं क्या होता है अब, ठीक है, क्योंकि इसका गत्ता थोड़ा मोटा है। तब चुकी हूँ मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मुँह धो लिया मैंने, गर्मी तो नहीं अजीब सा हो गया था, बरबर धूल धूल हो गया था सफाई करने के ना ऊपर, ठीक है। तो पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहेगा मेरे साथ, बाय। तो दोस्तों पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में एंड आज हमारी बन रही है आलू की थिचुआनी बोलते हैं, थिचुआनी निकल रहा है मुझे, आजकल मैं गढ़वाली लड़की है ना और एक उसका ब्लॉग देख रही हूँ तो मुझे गढ़वाली निकल रही है, थिचुआनी आलू की थिचुआ बोलते हैं हमारे वहाँ। तो मैं आलू थिंच रही हूँ अभी, थिंच के बनाना तो ये भी टेस्टी होता है दोस्तों, कभी कभी आप ट्राई करना, इसमें लहसुन प्याज डाल के ना बहुत टेस्टी होता है, ये कर ले तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों आलू की थिचुए में लहसुन डाल के पीस के अच्छा होता है, तो मैं इसमें मिर्च, तब तक जब तक कि आलू थीच दिए मैंने, अब मैं मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। तो दोस्तों पेस्ट भी एकदम तैयार है लहसुन और मिर्ची का, तो अब हम बनाते हैं सब्जी, ठीक है, टेस्टी होती है सब्जी भी, ये पीस दिए मैंने, अब बनाते हैं सब्जी। दोस्तों सब्जी पक गई है, देखो 12 मिनट की। ओके गाइस मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है। इस बिल्ली के साथ मैं आज ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब मैं आपके लिए रोज़ एक नया ब्लॉग, कुछ सुंदर सा ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, हर दिन एक प्रयास रहता है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड सपोर्ट करिएगा, बस यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग्स, थैंक यू, मेरी दीदी के ब्लॉग को ज़रूर देखना, थैंक यू। बोल कुछ, बोल क्यों नहीं रहे, जो फिजाए हवाए जाए तुझे कहाँ मुझको खबर है मुझको पता